थाना मलपुरा के लालू गांव की घटना ने आगरा की जनता की आंखें नम कर दी है। मृतक छात्रा संजली की आत्मशांति और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर थाना ताजगंज बसई गोबर चौकी सिद्धार्थनगर से जगजीवन राम पार्क तक कैंडल मार्च निकाली गई। दरिंदों द्वारा पेट्रोल डालकर छात्रा को सरेआम जलाकर मार देने की घटना से आगरा शर्मसार है। माता पिता में अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति भय व्याप्त है। वहीं पीड़ित परिवार को मदद की अपील की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आगरा के अंदर एक ही दिन में दो बेटियों के ऊपर जुल्म हुआ। एक को जिंदा जला दिया गया और एक के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। शासन अपना मंदिर और धर्म में देवताओं को बांटने पर लगा हुआ है। उसे जनता का, बहन बेटियों का कोई वो उसे चिंता नहीं है। निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं। आज होटल मुगल के सामने बसे सिद्धार्थनगर से सैकड़ों की संख्या में ये युवा हमारे आए हुए हैं और इन्होंने कैंडल मार्च निकाला सिद्धार्थ बुद्ध विहार से लेकर के यहाँ बाबू जगजीवन राम, जो कि दलितों के हितरक्षक रहे हैं, उनके चरणों में आकर के उन्होंने उस दीपक को जला करके और इन्होंने ये प्रार्थना की है कि अंजलि की आत्माओं को शांति मिले और उनके अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दुख की बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन मुख्यमंत्री जी को वहीं से बयान दे रहे हैं, उन्होंने आने की जरूरत नहीं समझी। इससे जनता में बेहद रोष है। अगर इन्होंने तुरंत अपराधों पर कंट्रोल नहीं किया तो निसंदेह यह शासन आगे नहीं चल पाएगा, यह शासन का एंड होगा। ये महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, बहन बेटियों पर जो अपराध हो रहे हैं, ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है। दिल दहलाने वाली आगरा की इस घटना के विरोध में आगरा ही नहीं पूरा प्रदेश आहत है, लेकिन प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए कोई भी घोषणा अभी तक नहीं की है। आगरा की जनता चाहती है कि हत्यारों को सजा देने के साथ पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा दिया जाए। और किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना आए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जब इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो वो केवल समाज या शहर या बल्कि देश विश्व के लिए बड़ी दुखदायक मतलब घटना। अब देखना ही होगा कि फिल्मों में अपराधिक घटनाओं के लिए राय देने वाले आगरा के काबिल एसएसपी अमित पाठक कितने दिनों में हत्यारों का जनता के सामने खुलासा कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रताप सिंह आजाद के साथ CP सिंह की रिपोर्ट।